बेंगलोर से न्यू बेंगलोर की तरफ हमारा सफ़र जारी था। बहुत ही अच्छे नज़ारे थे, साथ में प्रकाश भाई से गपशप हो रही थी। बहुत ही इन्जॉय कर रहा था मैं इस बेंगलोर की राइड को। तो एकदम एक ये एरिया एकदम एक मॉडर्न एरिया शुरू हो जाता है सडनली, फिर एक बाजार आ जाता है, फिर एक कोई रोड आ जाती है। आप इधर प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। एक होता है ना डिफरेंट सिटीज़ में, जाल वेरू विहार। ये ऊपर देखें आप, प्रेस्टीज अपार्टमेंट यहाँ बड़े खूबसूरत होते हैं। तो जहाँ अभी हम जा रहे हैं वहाँ पे बहुत ही हाई क्लास खूबसूरत अपार्टमेंट्स आएंगे। थोड़ी सी गाड़ी के बारे में पूछते हैं। भैया कौन सा ईयर है गाड़ी का? 15। अच्छा 15 है। और ये कितना माइलेज है इसका? एक लीटर में डीजल में कितना? 18। अरे यार ये टाटा वालों ने ज़बरदस्त बनाया। तो हाइब्रिड है ज़बरदस्त। 22। तो रोड तो सारे ही नाइस है, मतलब लॉन्ग रूट में। यार ये तो इलेक्ट्रिक कार क्या लेनी है, ये टाटा इंडिगो पकड़ो भाई। ये तो यार हाइब्रिड जो टोयोटा है, जो कैमरी शैमरी है, जो लोग इतनी महंगी ले रहे हैं, ज़बरदस्त यार इंडिगो। और 2015 इंडिगा। अच्छा इंडिगा है। आईफोन रखा है भैया ने। ये प्रकाश भाई, हम कह रहे हैं आईफोन लेंगे पता नहीं कब। ये भाई इंडिगो का लेवल है। तो भाई भारतीय सिटी बेंगलोर में आ गए हैं, थोड़ा मॉडर्न बेंगलोर शुरू हो गया। ये देखें अपार्टमेंट, कितने बड़े बड़े मैसिव अपार्टमेंट सामने नजर आ रहे हैं। ये देखो भाई कितने मैसिव, ये देखो ये है वो बेंगलोर। तो एक टर्न लिया हमने, चेंज हो गया, जज्बात बदल गए, दिन बदल गए, जज्बात बदल दिए, जिंदगी बदल दी, सब कुछ बदल गया, क्लाइमेट बदल गया, ट्रैफिक, गाड़ी देखो, ये देखो गाड़ी, ये देखो ये भी बदल गई। यार बहुत बढ़िया, बहुत मस्त बंदे हैं प्रकाश भाई। प्रकाश भाई मूवी देखते हैं? कौन सी? हिंदी। ये जो अभी आई थी एनिमल, देखी? अच्छा नहीं। अभी डंकी आई है, डंकी देखी। फेवरेट मूवी कौन सी है प्रकाश? फेवरेट मूवी तो आप आपके हैं कौन? क्या बात है सर, हम आपके नहीं है, आप अपने हैं। आप आपके भाई कह रहे हैं हम जिसका है उसके साथ रह रहा है। हम आपके हैं और आप आपके हैं। कौन बता दे बहुत बढ़िया यार। लो भाई रास्ते में रवा दवा है। अबे वो तो कहाँ जा रहा है ये देखो भाई। तो उधर वो सेफ्टी मेजर आपने देखे तो इधर चेक करो। अरे भाई क्या कर रहा है बेंगलोर की, साउथ की, पूरे इंडिया में ये खैर है सर। और ये देखो ऊपर से हमारे दो मोरिया पुल है यहाँ पे। स्टेशन करीब है यहाँ से स्टेशन। ये देखो एकदम मॉल आ गया बड़ा, बेशक ये छोटा एरिया भी है, एकदम इतने बड़े बड़े मॉल आ जाते हैं। क्या बात है, कंस्ट्रक्शन बहुत हो रही है, बहुत पैसे दे रखे बिल्डिंग पर। तो भैया एकदम राइट टर्न से लेफ्ट टर्न लिया है, ये देखो एकदम भाई चेंज हो गई दुनिया। ऐसा लग रहा है किसी और स्टेट में आ गए हैं या कंट्री में आ गए। वही साइकिलें शाइकिलें रिक्शे वही दुकानें, इनका अपना मज़ा है। इस ये वाइब एक अपनी है, वो एक अपनी है। टोमाटो वाला देखें जा रहा है, ये देखें पाइनएप्पल यहाँ बड़ा फेमस है, ये लोगों ने पाइनएप्पल लगाए हैं। 30 रुपए का एक पीस, अभी ये तो सस्ता है यार। ये मार्केट है हार्डवेयर का। तो भाई टनल में जा रहे हैं बेंगलोर में, एकदम रोड से टनल में आ गए हैं। कितने खूबसूरत इन्होंने किस तरह से ये किया हुआ है दीवारों को। भैया ये होटल वालों में टनल है या मेन रोड है? मेन रोड नहीं है, होटल का। यार ये देखो कितना बड़ा इन्होंने लूप बनाया हुआ है होटल वालों ने। तो भाई हम बहुत ही खूबसूरत और मॉडर्न बेंगलोर में दाखिल हो चुके हैं और मैं बहुत ही एक्साइटेड हूँ यार यहाँ के नज़ारे देख के। एम्बेसी ऑफिस है कोई, क्या बात है। आपको लोकेशन है ना? इलेक्ट्रॉनिक जो इन्होंने एस्केलेटर्स लगाए हुए हैं,
ये है मॉडर्न बेंगलोर, जहाँ सारे आईटी ऑफिसेज हैं, सारे इनके मेन जो हेड ऑफिसेज हैं कर्नाटका के बल्कि पूरे इंडिया के, तो ये है भाई वजह। और यहाँ ट्रैफिक भी बहुत कम है, बड़ी डिसिप्लिन आप देख सकते हैं रोड्स पे नज़र आएगा, और वर्कर्स भी इवन जो काम कर रहे हैं सेफ्टी उन्होंने कैप पहनी हुई है। ये रिवर्स आ रहा है रिक्शे वाला, अबे भाई क्या कर रहा है भैया, इस रोड का क्या नाम है नहीं पता भैया, कह रहे हैं मालूम नहीं, अच्छा वाला रोड है नाम, अच्छा वाला। ये भी नई बड़ी सी हाई राइज बिल्डिंग है, वाह यार वाह, ये देखिए कितने बड़े बड़े मैसिव इनकी पार्किंग, बिल्कुल ऐसे जिस तरह फॉरेन कंट्रीज में होता है, फॉरेन कंट्री लग रहा है, वाह। ये देखो भाई इंडिया में किसी अपार्टमेंट में, तो ये हमने मूवीज में देखे हैं इस तरह के। यार पाकिस्तान में अपार्टमेंट्स का कल्चर उस तरह से देखने को नहीं मिलता जैसे मुझे इंडिया में देखने को मिला है। मोस्टली लोग स्पेशली लाहौर में जहाँ से मैं हूँ वहाँ पे लोग घर प्रेफर करते हैं सिंगल या डबल स्टोरी हाउस, शायद इसलिए मुझे यहाँ पे अपार्टमेंट्स देख के बहुत ही एक्साइटमेंट हो रही थी, बहुत ही खुशी फील हो रही थी। अपार्टमेंट को आपको विजिट भी करवाएंगे, बहुत ही अच्छे खूबसूरत सारी फैसिलिटीज मौजूद हैं। हम देखें कितने ऊपर हैं यहाँ पर, तो ये 26th 27th 8th फ्लोर्स का ये बना हुआ है, और सामने इस अपार्टमेंट की बैक साइड पे लीला पैलेस है, बहुत बड़ा शॉपिंग मॉल है, तो बहुत ही ज़बरदस्त है यार। ये देखें चारों तरफ आपके पास अपार्टमेंट का व्यू, और नीचे वो देखें आप पूल बना हुआ है, ये देखें ओए होए होए होए, सामने टेनिस कोर्ट है, इसके बिल्डिंग के पीछे जो है वो फुटबॉल है, हॉकी है, क्रिकेट है, ये देखो बच्चों का छोटा सा, हर अपार्टमेंट से सामने ऐसे पार्क से बने हुए हैं स्लाइड्स हैं, देखें बच्चे खेल रहे हैं, वॉक कर सकते हैं, कितना खूबसूरत यहाँ सिस्टम सारा बनाया हुआ है, तो बहुत ही एक डिफरेंट एक्सपीरियंस है जो कि मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ, कि मैं कभी इस तरह के अपार्टमेंट्स में पहले नहीं गया। हमारे वहाँ नॉर्मली घर होते हैं, इंडिविजुअल हाउसेज होते हैं, आपको पता ही है जो भी पंजाब से और मोस्टली पाकिस्तान से लोग जानते हैं बनाना है। अच्छा, अभी घर में काम चल रहा है तो कुछ काफ़ी लोग भी मौजूद हैं, लेकिन मैप दिखाने के लिए खाली घर है, आपको एग्जैक्टली समझ आ जाएगी। तो दो से तीन कमरे जो हैं उनकी ये फेसिंग है आउटसाइड, यहाँ से आप अपने बेडरूम से जब आप कर्टन हटाएंगे तो ये व्यू आपको नज़र आने वाला है, ये व्यू आपको नज़र आने वाला है। तो अब आप ये देखें बिल्डिंग्स वाला, और अब आए आपको हम दूसरे कमरे दिखाते हैं। तो पहला कमरा ये है, डबल बेड है, ज़बरदस्त यार, आप देख सकते हैं खुला डुला दो कमरे, यहाँ पे इस तरह के अपार्टमेंट के कमरे होते हैं। और आए अब आपको अगला कमरा और दिखाते हैं बाथरूम कैसे, बड़ी रेनोवेशन जोरों शोर से जारी है, तो लाइव आपको दिखा रहा हूँ। ये देखें ज़रा चीज़ें पड़ी हुई हैं, तो ये भाई मास्टर बेडरूम है, आ जाए, वाह, इसकी क्वालिटी ये है कि इसमें कोई बालकनी नहीं है, तो अगर यहाँ बेड बिछा हुआ है ये भाई इसकी क्वालिटी है कि आप अगर बेड यहाँ बिछा हुआ है तो बेसिकली आप 16-17 माले पे मौजूद हैं, और आप आँखें खोलते हैं बंदा यूँ करता है और देखता है तो अबे मैं कहाँ पे आ गया, तो ये इसकी क्वालिटी है कि आगे निकला हुआ थोड़ा, इसमें सेफ्टी तो है लेकिन ज़्यादा एक डिफरेंट तरह का व्यू है। तो यहाँ से आप देख सकते हैं ये है, ये मास्टर बेड है, बड़ी बड़ी कवर्स लगी हुई हैं आप देख सकते हैं। जब लोग अपार्टमेंट में रहते हैं तो ज़्यादा सामान नहीं रखते, तो ये पर्टिकुलर अपार्टमेंट भाई अंडर रेनोवेशन था, थैंक्स टू ओनर जिन्होंने हमें अलाउ किया इसको थोड़ा सा देखने का और विजिट करने का। कार्तिक तो आ रहा है ऑलरेडी, कार्तिक आ रहा है, देख लिया सही है कार्तिक भाई, वो कहते हैं शाहरुख खान कार्तिक से बड़े है, ऑल्दो ये खुद कार्तिक है, तो आए इन्हें जरा बाथरूम दिखा देते हैं। देखो भैया अभी सब रेनोवेशन चल रहा है, हां सर तो रेडी हो गया, रेडी ऑलमोस्ट, ये कह रहे हैं कर देंगे एक दो दिन। ये भैया यहाँ से लाइट ज़्यादा आ रही थी तो ये देखें, ये बैक साइड वाले कमरे हैं जिनका व्यू ये है, क्या बात है, ये देखें, और ये अटैच बात है। तो दो तरह के व्यू हैं, एक तो है भाई जो मैंने आपको दिखा दिए जिनका बिल्डिंग्स का व्यू है, दूसरे अपार्टमेंट्स का,
और एक ये था। अच्छा भाई ये इनका मेन हॉल है, ये देखिए ये मेन हॉल है, तो किचन और एक कमरा और एक मेन हॉल, ये फेस कर रहे हैं उन बिल्डिंग्स को और बाकी कमरे पीछे हैं। तो इस तरह होता है भाई, ये यहाँ पे किचन है, बड़ा खूबसूरत किचन बन रहा है, हर जगह रेनोवेशन जारी है, किचन का व्यू भी देखें। और ये यहाँ पे अगर आपका कोई हेल्पर है घर में, कोई शेफ है, कोई कुक है, ये उसका छोटा सा रूम बनाया हुआ है, ये देखें ये उनका टॉयलेट है, ये सेपरेट एंट्री एग्जिट है और ये उनका रूम है, तो वन बेड यहाँ पे आ सकता है। तो हर चीज़ की फैसिलिटी उन्होंने दी हुई है बेसिकली। तो एक घर में यहाँ जहाँ रेनोवेशन हो रही थी उनसे मैंने रिक्वेस्ट की और उन्होंने कहा ठीक है आप दिखा सकते हैं। तो ऐसे होते हैं भाई अपार्टमेंट, कभी ट्राई करेंगे आपको फर्निश का अपार्टमेंट भी दिखाएं। लो भैया अभी मौजूद हूँ मैं एक बालकनी में और आप देख सकते हैं कितना खूबसूरत पूरे बेंगलोर का व्यू है मेरे पीछे। क्या बात है यार, क्या करें, एक तो हवा चल रही है, एक इन्वायरमेंट अलग ही किस्म की वाइब है यार। तो यहाँ से बड़ी दूर दूर तक नज़र आ रहा है, ज़्यादा कैमरा उसको इस तरह से कैप्चर ना कर पाए, लेकिन बड़े दूर तक आपको नज़र आ रहा है। यहाँ बहुत ग्रीन है और बड़े वेल प्लान तरह से मैनेज किया हुआ है, पता लग रहा है सिटी बना हुआ है। इस तरफ सारा ग्रीन है न्यू बेंगलोर और उस तरफ जो है उस तरफ भी खैर न्यू बेंगलोर ही है। ये पीछे बिल्डिंग नज़र आ रही है, बड़े बड़े रेजिडेंशियल यहाँ पे अपार्टमेंट्स हैं, वो मॉल बना हुआ है वहाँ का भी आपको विज़िट करवाएंगे। तो भाई लेकिन ये बालकनी में खुरा भी दिया हुआ है, जिसके बाद खुरा नहीं है कपड़े जपड़े धोने के लिए, वो देख सकते हैं। अच्छा ये देखिए हर जो बिल्डिंग बनाई हुई है ब्लॉक्स उसमें एक छोटा सा थिएटर है, ये देखें इसके अंदर थिएटर है। अभी बुक आपको बुक करवाना पड़ेगा, ये आप वो बुक होते 10-15 लोगों के लिए होता है, तो चाबी से खोलें और जाके अपनी मूवी इंजॉय करें। तो हर तरह की फैसिलिटी दी हुई है, अभी मैं तो बड़ा इंजॉय कर रहा हूँ, आई होप आप भी मेरी ये वीडियो बड़ी इन्जॉय कर रहे हैं। अच्छा भाई ये देखें अपार्टमेंट्स के जो 3-4 बिल्डिंग्स हैं उनके बीच में बीचों बीच इस तरह एक वॉकिंग वे होता है, क्योंकि आप थ्रू आउट द वे नीचे जाएं ऊपर आएं तो उसमें टाइम लग जाता है, ये देखें। तो इस तरह ये बिल्डिंगों के बीच में इन्होंने एक ऐसे बनाया हुआ एरिया और इसमें आप बड़ी अच्छी हवा चलती है क्योंकि ज़्यादा काफ़ी हाइट पर है ये। तो मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखिए वो नीचे कोई पार्क वगैरह आ गए, लोग वॉक कर रहे हैं और ये बिल्डिंग है सारी, देखें वहाँ पे भी बना हुआ है, ये रहा हम इस पे हैं बेसिकली। तो ये देखिए बड़ा ग्रीन है और इस तरफ आपको दिखाता हूँ, यहाँ पे आप अपनी कोई फंक्शन वगैरह और लोग ज़्यादा हो तो सिटिंग भी कर सकते हैं, ये देखें। और ये देखिए ऐसे अपार्टमेंट होते हैं, देखें लोगों ने कैसे अपने सेट किए हुए हैं, ये देखें अपने पौधे रखे हुए हैं, क्या क्या चीज़ें रखी हुई हैं लोगों ने, यहाँ से नज़र ही नहीं आता, बहुत से लोग बैठे हुए हैं। देखें ये भाई साहब अपना व्यू ले रहे हैं और कोई कोई आंटी बैठी हुई है, ये देखें लोगों ने कपड़े सुखाए हुए कराची में हमारे फिर भी अपार्टमेंट होते हैं लेकिन पंजाब साइड पर बहुत ही रेयर है, लेकिन यहाँ तो थ्रू आउट आपको ये देखें पूरे सिटी में अपार्टमेंट ही नज़र आएंगे, ये देखें ये देखें ये देखें ये देखें, घर का बहुत ही रेयर है यहाँ पे, ये देखें ये देखें, पूरा सिटी का व्यू करवा रहा हूँ मैं आपको, बेंगलुरु जो बेंगलोर के नाम से ही मशहूर है। ये देखें भाई टावर्स के नीचे ये इस तरह ग्रोसरी स्टोर है, बिल्कुल लिफ्ट से नीचे आए विद इन प्रॉब्ली 30 seconds अवे। और ये देखें ये डिफरेंट शॉप्स हैं, ये मिठाइयों की दुकान है, बेकरी है। तो आगे मैं दिखाता हूँ आपको, कम्युनिटी यहाँ रात को निकलती है डॉग शॉक वॉक कराने, स्पोर्ट्स करने, स्विमिंग करने और वो खेलने बच्चों के साथ, बड़ा ही ज़बरदस्त बनाया हुआ है। कहीं कंप्यूटर का इन्होंने लैब सी भी बनाई हुई है, बहुत आला। टावर्स के ये देखें बेसमेंट में दर्जी भी मौजूद है, वाह, कपड़े शपड़े ऑल्टर कराने, ये देखें एक कैफ़े कॉफ़ी शॉफी स्नैक्स अगर आपका दिल कर रहा है वो भी मौजूद है। ये देखें स्टॉल्स लगे हुए हैं डिफरेंट एक्टिविटी बच्चों के लिए, तो बेसिकली सारी फैसिलिटीज़ दी हुई हैं। और हॉस्पिटल क्लिनिक 24 आवर्स डॉक्टर यहाँ पे अवेलेबल है, ये देखें। और ये पार्क्स हैं, तो बहुत ही मतलब एक फील आ रही है डिफरेंट तरह की, और ऐसा नहीं आपको बाहर जाना पड़ेगा, बहुत सी एक्टिविटीज़ हैं। ये देखो भाई स्टॉल्स आपको लेके चलते हैं, एक नायाब के नाम से स्टॉल नज़र आ रहा है,
देखते हैं क्या है वहाँ पे, खाबे शाबे नजर आ रहे हैं। आपको पता है जहाँ खाबे नजर आए वहाँ आपके मुंशी भाई सबसे पहले पहुँचते हैं, खुशबू आ जाती है, वाइब नजर आ जाती है। तो आए, देखिए बच्चों का आर्ट का एक वो चल रहा है सिस्टम, तो वाह भाई यार मजा आ गया। तो ये मेले का जो समय है, ये देखिए ऊपर आप चारों तरफ इनके अपार्टमेंट्स हैं और बीच में एक मेले का सा समय है, जबरदस्त है। आए हम देखते हैं नवाब वालों के क्या दे रहे हैं। तो भाई ये फ्राइड राइस है इनके पास, चिकन है, डिफरेंट आइटम, जैसे मैंने पहले दिखाया बेंगलोर में, बेंगलोर में हर चीज़ का एक पोर्शन बना के देते हैं, तो आपको एग्जैक्ट आइडिया हो कितना पोर्शन मिलेगा, कितने राइस मिलेंगे। तो ये यहाँ पे बहुत अच्छा सिस्टम है, एक आप समझ लें डिस्प्ले के तौर पे बना के देते हैं, बहुत फ्रेश बन रहा है सारा। और आगे भी आगे दिखाते हैं आपको, आ जाओ। अच्छा भाई ये बहुत सारी चीज़ें पड़ी हैं। ओके ये मेन्यू है, ये देखें भाई मेन्यू ज़बरदस्त। तो ये लाइव बुफे टाइप लगा हुआ है इनका, ये चिकन कबाब, जीरा राइस, ओए होए पूरा बफे सिस्टम है भाई। अच्छा ये देखें, ओए होए 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 ओए होए होए, ये क्या चीज़ है भाई, मैक्सिकन विंग्स, बहुत आला बहुत आला। और ये आपके कटलेट्स हैं, और देखें आगे और भी चीज़ें हैं भाई, स्प्रिंग रोल, फ्राइड राइस, वेज बिरयानी, वेज बिरयानी, ओ ये चिकन, एंड दीज आर द डेजर्ट्स हैं, ये डेजर्ट, ये आपका सालन हो गया, बैंगन का सालन, अच्छा अच्छा, फ्रेश गुलाब जामुन, अच्छा अच्छा, ये एवरीडे होता है या क्या है इसका? तो भाई मुझे बताया गया ये परमानेंट स्टॉल नहीं था यहाँ पे, ये लोग प्लेस टू प्लेस मूव करते रहते हैं और मज़े मज़े के खाने बेंगलोर की डिफरेंट लोकेशन में सर्व करते रहते हैं। तो मैक्सिकन स्टाइल की चीज़ें भी हैं, चाइनीज़, इंडो चाइनीज़, देसी बिरयानियाँ शिरयानियाँ भी। तो भाई ये आपको दिखा रहा हूँ, ये सब कहाँ हो रहा है, किसी पार्क में नहीं हो रहा, अपार्टमेंट्स के नीचे, अपार्टमेंट्स के नीचे हो रहा है। तो भाई यार लाइट बड़ी कम है यहाँ पे, लेकिन आप लोगों के लिए, सिर्फ आपके लिए, इधर की भी मैं वीडियो बना रहा हूँ। ये देखें जी बिरयानी इनकी, वैसे देखने में यार बड़ी फिट लग रही है, थोड़ा सा ऊपर से रायता डाला है। एक और बाइट, एक बाइट में यार व्यू सही जाता नहीं है, थोड़ा चिकन लेते हैं। ये देखें चिकन में अच्छा डाला हुआ, चिकन रायता, और अब सही बाइट। मैं इस तरह अपार्टमेंट के नीचे इतनी अच्छी बिरयानी एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था, वेल डन यार। तो भाई अगर आप, जगह का नाम मैं बता देता हूँ, अगर आप ये निक्कू होम्स जानते हैं, जो बेंगलोर में रहते हैं वो जानते हैं, बड़ी फेमस डेवलपर हैं, उनके अहाते में, आता उर्दू का वर्ड है, उनके बाजू में जो नीचे जगह बनी हुई है वहाँ पर आप आएँ और नायाब वालों की बिरयानी खाएँ, और प्राइसेस भी बहुत रीज़नेबल हैं और टेस्ट भी बहुत अच्छा है। तो यहाँ पे और भी डिफरेंट स्टॉल्स थे जो डिफरेंट तरह के खाने सर्व कर रहे थे, तो आप देख सकते हैं कि बड़ा ही ये ज़बरदस्त वीडियो बनी है, बड़ा डिफरेंट सा एक्सपीरियंस रहा है। तो उम्मीद है भाई आपने आज की वीडियो इन्जॉय की होगी, अपार्टमेंट्स की, आपको हो सका तो मैं पूल की तरफ भी थोड़ा लेके जाऊँगा, लेकिन इतनी इनमें इनाफ है जितना दिखा दिया है। तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपना और आसपास वालों का ख्याल करें, मुशी भाई का भी थोड़ा ख्याल करें, सब्सक्राइब करके, साइनिंग ऑफ़।